एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे बलराम जी के साथ। अचानक से ब्रज की चर्चा हुई और ब्रज की चर्चा में सर्वेश्वरी राधा रानी के नाम का उच्चारण हुआ और जैसे ही बलराम जी के मुख से उस चर्चा में सर्वेश्वरी राधा रानी का नाम उच्चरित हुआ, उच्चारण किया गया, ब्रज की चर्चा हुई, अर्जुन के मन में एक अजीब सी बात, राधा कौन है ये राधा जिनकी चर्चा मैंने कई बार सुनी है, जिनका नाम कई बार मेरे श्रवण रंधों में पड़ा है, पर माधव कभी आपसे पूछने का साहस नहीं हुआ। मैं ये साहस नहीं जुटा सका कि मैं आपसे ये जानूं कि राधा कौन है। और जैसे ही सुना श्री कृष्ण ने राधा कौन है, ओ श्री कृष्ण के नयन सजल हो गए। कृष्ण को देखा, अर्जुन के नयन सजल हो गए, कृष्ण का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा, मानो सर्वेश्वरी की विरह अग्नि में कृष्ण भी अपने आप को संभाल न पा रहे हों। अर्जुन ने कहा, माना कि मैं शायद इस लायक नहीं कि आप मुझे बताएं, परंतु मैं जानना चाहता हूं उस निकुंज के विषय में, राधा रानी के विषय में। आप मेरे ऊपर कृपा करके अगर उचित समझे तो मुझे बताइए। बलराम जी ये कहकर शिविर में चले गए कि मैं शयन करने जा रहा हूं और कल हम द्वारका चलेंगे। अर्जुन ने फिर पूछा, कृष्ण क्या आप मुझे उपयुक्त समझते हैं ये बताने के लिए कि कौन है श्री राधा। मानो ऐसा लगा जैसे कृष्ण के हृदय का, हृदय रूपी वीणा का तार किसी ने छेड़ दिया। श्री कृष्ण, राधा ये बहुत ही गोपनीय प्रश्न है। अर्जुन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये बहुत ही गोपनीय है। भाव जगत में डूब गए श्री कृष्ण, राधा शब्द से ही विह्वल हो जाते हैं कृष्ण। जैसे ही कोई व्यक्ति राग कहता है कृष्ण दौड़ लगा देते हैं, धा कहते कहते कृष्ण उसके पास पहुंच जाते हैं, इतनी प्रिय है श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना गोपनीय है अर्जुन जानते हो, स्वयं ब्रह्मा 60,000 वर्ष तक तप करते हैं, सिर्फ उनका नहीं उनके चरणों का दर्शन करने के लिए, वो संभव नहीं हो पाता है। शिव जिनकी आराधना करते हैं, शेष जिनका दर्शन पाना चाहते हैं, ये कोई पहचान नहीं सके राधा को। यह हे पार्थ मेरी आह्लादनी शक्ति है राधा, आह्लाद नहीं सकते, जो प्रेम में उमंग को बढ़ाने का कार्य करती है, मुझे निरंतर आनंद प्रदान करने वाली शक्ति का नाम है राधा, जिसे हम आह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा यानी मुझ में और राधा में एक किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी अंतर नहीं है।
अर्जुन मुझे बताओ, एक सर्प में और सर्प की कुंडली में क्या भेद है? कुंडली समझ गए ना आप लोग, किसे कहते हैं कुंडली? जब सर्प कुंडली मार के बैठता है तो क्या वो दो होते हैं? दो नहीं होते हैं, वो एक ही होता है। जब बैठता है तो कुंडली मार के बैठता है, और जब जाता है तो कुंडली एक ही है, दो नहीं है। मैं और राधा एक ही है, जैसे जल और जल की तरंग, दो नहीं है। श्री कृष्ण को और राधा को दो नहीं कहना है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम भई कृष्णम राधा स्वरूपिनम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। कौन है राधा अगर ये जानने जाओगे अर्जुन, तो तुमको इतना समझना चाहिए कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, दो नहीं है। एक स्वरूप सदा दो नाम, स्वरूप एक ही है, नाम दो हैं बस। राधा